Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें कई सारे करंट अफेयर के सवाल है जो कि हम कवर अप करते हैं. साथ में दोस्तों सुबह 8 बजे वाला सेशन भी जरूर देखा करो, वो भी आपके नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा. अगर आप रेगुलर हो पिछले 2-4 महीने से दोस्तों, तो यकीन मानिए आप देश का कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, आपको करंट अफेयर वहीं से देखने को मिलेगा. चलिए, और साथ में क्वेश्चंस के लिए सुबह 5 बजे वाला सेशन इंपॉर्टेंट है. 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हो उसको, स्पीड को करो 1.5, 10 मिनट का वीडियो होता है, 5 मिनट के अंदर आप इसको खत्म कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन था आपका, कल का मैंने क्वेश्चन दिया था, इस वर्ष गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार डैश कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है. कितने कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है ये आपको बताना था दोस्तों. और गोल्डमैन प्राइस इस बार दोस्तों 6 कॉन्टिनेंटल रीजन से जो है वो प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, आप देख सकते हो सारे के सारे कॉन्टिनेंट है. और उसको ग्रीन नोबल पुरस्कार से भी जाना जाता है. ग्रीन नोबल पुरस्कार से किसको? गोल्डमैन प्राइस को. इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्राइज है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा ससंध जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला ससंध बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है. क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है एक देश के द्वारा. कौन सा देश है दोस्तों? यूके. तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इस प्रकार से क्लाइमेट. राष्ट्रपति ने श्री वेदांत देसिकन के जन्म की डैश विश्व वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी किया है. तो स्पेशल स्टैम्प जारी करी गई है श्री वेदांता दक्षिकन के बर्थ एनिवर्सरी पे. कौन सी है दोस्तों? 750 है. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा. पोस्टल स्टैम्प जारी करी गई है 750वीं बर्थ एनिवर्सरी को लेकर, वेदांता दक्षिकन को लेकर. ये कौन थे? ये श्री वैष्णवी गुरु फिलोसफर थे और बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है, वैष्णविज्म के जो कि प्रेस करते हैं, जो कि बताते हैं, वो एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे. रामानुजा के पीरियड के बाद में इन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बताई थी वैष्णव के बारे में. आगे देखते हैं. किस देश ने भारत के खिलाफ अपनी कार्रवाई को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोट नाम दिया है? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोट. अब भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है यार, कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा. ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोट, ठीक है. तो डिक्लेयर किया है कि वो रिटेलेटरी एक्शन लेगी. भारत की जो एयर स्ट्राइक है बालाकोट टेरर कैंप के अंदर, उसको उसने ये नाम दिया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोट. समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं. निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी ने पुलवा में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है? तो यहां पे आपको बताना है, पुलवामा में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी गई है. किसके द्वारा? BSNL के द्वारा. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. पहला ऑपरेटर है जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जो है पुलवामा के अंदर प्रोवाइड करेगा भारत फाइबर के नाम से. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में कई बार आ चुका है. और 3 तारीख को मनाया जाता है. इस साल की थीम क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी इस साल की थीम है. साथ में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, वो भी आपको पता होनी चाहिए. भारत की रैंकिंग इस बार खराब भी हो गई थी, आपको मालूम है. ठीक है, कितनी पहुंच गई थी जल्दी से बताइए? 140 है ना? ऐसा नहीं है, मैंने अलग से इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, पहले नहीं गई, पहले 13-14 के अंदर भी 140 थी और अभी वापस से 140 पे पहुंच गई है. चलिए आगे देखते हैं. मवालमू गुफाएं डैश राज्य में स्थित है. मवालमू गुफाएं, मवालमू गुफाएं की बात करें दोस्तों, तो ये मेघालय के अंदर है, बहुत ही फेमस है. तो ये वहाँ पे लोकेटेड है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने,
दो जियोलॉजिकल डिस्प्ले बोर्ड लगाए दो इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइट के ऊपर, एक तो यहाँ पे कौन सी है, तो ये दो गुफाएं के ऊपर लगाया गया है ताकि इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहे। अली अलीयेव कुश्ती टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण पदक जीता है, तो दूसरा गोल्ड मेडल जो है जल्द यहाँ पे अभी कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे अली, ठीक है, अली अलीयेव कुश्ती टूर्नामेंट के अंदर, तो ये वर्ल्ड के नंबर वन तो ऑलरेडी है ही, तो और रशिया के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे इसको जीता गया है। निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने सभी महिला गश्ती इकाई रानी अबकपका फोर्स की स्थापना करी है, ठीक है, रानी अबकपका फोर्स की स्थापना करी गई है, अबकपका फोर्स की करी गई है, और किसके द्वारा करी गई है दोस्तों, मैंगलोर सिटी पुलिस के द्वारा ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोलिंग के लिए लॉन्च करी गई है, रानी फोर्स से आप इसको याद कर सकते हैं, मैंगलोर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एएस किरण कुमार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह किस संगठन के प्रमुख हैं, तो अगर मैं किरण कुमार की बात करूं तो आपको मालूम ही हेड है अपने इसरो के, तो उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है उससे अभी रिसेंटली नवाजा गया है, तो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार को कन्फर्म किया गया है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन यहाँ पे अवार्ड, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया फ्रांस के स्पेस ऑपरेशन में काम दिया है वो आपको अभी कौन है, सिवन जी है जो कि अभी अपने इसरो के हेड है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश ने सोवरिंग इंटरनेट लॉ पारित किया है, सोवरियन इंटरनेट लॉ कौन से देश के द्वारा पारित किया गया है ये आपको बताना है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिन में 11 बजे आज सुबह 11 बजे लाइव जरूर आइएगा, एक सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, कई सारी नई क्लासेज, टेस्ट सीरीज, कई सारी चीजें हैं जो कि आपको पता लगेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।